नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं खेम सिंह और इस बार मैं आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो अभी शुरुआत तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे ज़्यादा दिक्कतें अक्सर हमारे साथ रहती है कि हम एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे ऑपरेट करें। तो साथियों, जितने भी हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं या जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए। और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में जितने भी सदस्य इस मेरे किसी भी वीडियो को या किसी भी समय सुनते हों, या किसी के अगर अपने YouTube चैनल भी है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन भी आप ऑन करके रखिएगा। बाकी ये चीज़ मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर्स इस बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, उन सभी के चैनल मैं सब्सक्राइब करूँगा और यही मैं करता भी हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए, आज हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एंड्रॉयड फ़ोन सीखने से संबंधित। तो साथियों, एंड्रॉयड फ़ोन सीखना वैसे हर दृष्टिहीन लोगों के लिए शुरू में आम बात तो नहीं रहती है, मतलब यानी कि ये है कि आसान तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ उन चीज़ों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। हाँ, शुरू में मैं यही कहूँगा कि भले ही उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन आ भी जाए, बट शुरू में कुछ दिक्कतें हमें आती हैं, जैसे कि ज़्यादातर टॉकबैक से रिलेटेड, किसी कारण बंद हो गया तो हम दोबारा उसको ऑन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी मैं यही सेटिंग आप सभी को बताऊँगा कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स आप कैसे ओपन कर सकते हैं। यानी कि एक होती है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट की जो सेटिंग है, वो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इसमें। लेकिन जब आपके इसमें एक बार एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आप चाहे किसी भी समय टॉकबैक को ऑफ भी करेंगे तो आप उसे अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आप किसी भी तरह से पहुंचिए और वहां पर जा कर के एक ऑप्शन आएगा, या वॉल्यूम पावर की एंड वॉल्यूम की शॉर्टकट का आता है, जिसमें कि हम अपने हिसाब से एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट को सेट कर सकते हैं। फिर चाहे कभी भी आपका टॉकबैक बंद हो तो आप अपने फ़ोन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो जिनके आसपास फ़ोन को ऑपरेट करके सिखाने वाले लोग भी नहीं होंगे, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर उनके साथ कोई भी दृष्टिवान लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, तो चैनल के अबाउट पेज में मेरे नंबर और ईमेल आईडी होगी, तो वहाँ से आप मुझे मेल या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या आप बता सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का किसी भी तरह से समाधान किया जा सके। तो चलिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी जो शॉर्टकट सेटिंग है, वो कैसे एक्टिवेट करनी है, वो मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एंड्रॉयड फ़ोन सीखना वैसे शुरू में हमें आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो इस चीज़ को समझ सकता है उसे आगे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, मतलब वो हर चीज़ें सीख सकता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में आप सभी के लिए कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर उपलब्ध हैं, लेकिन आप सभी से मैं यही कहूँगा कि जब भी आप एंड्रॉयड फ़ोन लें, तो अपने आसपास के जितने भी जो भी आपके दृष्टिहीन व्यक्ति दोस्त हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो उनके अलावा जो भी अच्छे से फ़ोन को जान
जानता हो चलाना, उनसे भी नहीं तो नहीं अगर कोई सोर्स मिलता फ़ोन सीखने का, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो शायद हो सकता है यूट्यूब पे कम हो या फिर भी हो या ना हो। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को ज़रूर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना मैं करूँगा। तो फ़ोन जो हम चलाएंगे, मतलब शुरू में जैसे आपने टॉकबैक ओपन कर दिया है, आपको खैर ज़्यादा तो खैर अब कुछ नहीं करना उसमें। हाँ, शुरू में आप सभी को यही कहूँगा कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में होता है फ़ोन, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आएगी जिनके पास उनको ट्रेन करने वाले लोग ही नहीं होंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कुछ दिनों आप फ़ोन में सिम कार्ड या दूसरी चीज़ें यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मेमोरी कार्ड आप भले यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिम कार्ड को तब तक दूसरे फ़ोन में रखें जब तक आप उसे सीख ना लें, क्योंकि जब भी आप सिम कार्ड उसमें डाल कर रखेंगे तो फ़ोन ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो टॉकबैक के भी कुछ स्वैप्स होते हैं, तो वैसे अब ओल्ड वर्जन ओल्डेस्ट फ़ोन तो मुश्किल ही है। तो साथियों, आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जब भी हम टॉकबैक हमारे इसमें चलता है, तो उसमें भी कुछ चीज़ उसमें भी कुछ स्वैप्स रहते हैं, जिसमें कि हम लेफ़्ट स्वैप लेंगे तो हम पिछले आइटम में जा सकते हैं और राइट स्वैप लेंगे तो अगले आइटम में। और ज़्यादातर चीज़ें हमें अंग्रेज़ी में समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन लेने के साथ साथ एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि हिंदी वाले जो TTS है वो आपको पहले से डाउनलोडेड नहीं मिलेंगे। तो अगर गूगल TTS यूज़ करें तो गूगल TTS में जो है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पर जा करके TTS सेटिंग में जा करके, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट या कुछ इस तरह से आएगा, तो वहाँ पर जा करके गूगल TTS आपके इसमें होगा, तो उसकी जो सेटिंग है वहाँ पर जा करके आप इंस्टॉल वॉइस डेटा, लेकिन इससे पहले जो वॉइस डाउनलोडिंग का है उसको उस वाईफाई वाली सेटिंग को ऑफ करिए, और फिर जब आप इंस्टॉल वॉइस डेटा में जाएंगे तो हिंदी इंडिया को आप वहाँ से डाउनलोड करें, ताकि आप उस हिंदी को समझ सकें, और फिर लैंग्वेज एंड इनपुट में जा कर के आप सिस्टम लैंग्वेज को हिंदी में कर दें। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका जो गूगल डिफ़ॉल्ट TTS है वो हिंदी होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो समस्याएं आ सकती है। तो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आप कुछ दिनों के लिए अब कुछ चीज़ें आप इसकी हिंदी पर भी समझ सकते हैं, अगर अंग्रेज़ी में समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि हर चीज़ें तो ऐसी है नहीं कि जिसे इंग्लिश में समझा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप समझ रहे हो तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप उस जिस चीज़ से जिससे आपको समझ आ रही हो उस चीज़ से उसको समझो, फिर ये के साथ साथ में आप इंग्लिश में सुनने की आदत भी डालो, ताकि उसमें भी आप चला सके, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश में चलाना पसंद भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा हिंदी में ही फ़ोन ऑपरेट करो, हिंदी में ऑपरेट करने की आवश्यकता इसीलिए है ताकि फ़ोन की जो जितने भी टूल्स है उसके बारे में अच्छे से तो जान सकें। अगर अच्छे से ही नहीं पता होगा तो फिर फ़ोन के हर आइकन का क्या काम है, फिर इसका कैसे पता लगेगा। तो जैसे ही आपके पास ये सब इंतज़ाम हो जाएंगे तो फिर आप उसके जितने भी स्वाइप्स है उसके बारे में भी जानिए, फिर डबल टैप एंड होल्ड या जो भी कहता है हिंदी में वो भी उसको भी आप अच्छे से सुनिए। अभी मेरे पास टॉकबैक इसमें चालू है तो मैं कुछ आइटम कोई एक आइटम स्वाइप करता हूँ। 9:41 सक्रिय करने के लिए 2 बार छुएं। तो अभी यहाँ पर इसने मुझे बताया सक्रिय करने के लिए 2 बार टैप करें, 2 बार छुएं, यानी कि यहाँ पर हम एक्टिवेट कर सकते हैं इस आइटम को,
क्लिक करने के लिए, मतलब क्लिक करने के लिए दो बार एक्टिवेट यानी दो बार टैप करना होगा। अब टैप करने की रफ्तार जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जो कि है, तो अभी आपने सुना इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन ये कि आराम से उसको टैप कीजिए ताकि स्क्रीन पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन करना होता है दो बार, क्योंकि टॉकबैक के साथ हम कोई भी चीज़ अगर टैप करते हैं तो डबल टैप हम करेंगे, बाकी सिंगल टैप जो है वो केवल विजुअल केवल दृष्टिवान लोग करते हैं, या फिर लो कुछ लो विजन हैं वो भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनको दिक्कत आती है वहाँ वो टॉकबैक का यूज़ भी कर लेते होंगे। तो यही मैं आपसे आप सभी के लिए कहूँगा। तो फ़ोन चलाते हुए कुछ समस्याएं आप सभी के साथ आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों अगर ऐसे ही आप उसको चलाते रहेंगे बिना किसी सिम कार्ड के तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और जब आपको लगे कि मैंने कुछ चीज़ें इसकी सीख ली है, तब आप अपने फ़ोन में सिम कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर पहले ही आपने ये सब चीज़ें फ़ोन में रख दी है तो आप सभी आपके साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं आ सकती है और बहुत सी चीज़ें में आपको पूछनी पड़ सकती है कि यार ये फ़ोन है, अब फ़ोन करना है कैसे करें, ये करना है वो कैसे करें, मुझे WhatsApp इंस्टॉल करना है, ये चीज़ सिखाओ वो चीज़ सिखाओ। लेकिन उससे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पहले अगर आप फ़ोन को ही पूरा चलाना सीख जाओ तभी आप ये सब करें, अन्यथा ये सब आप करेंगे तो वैसे ही दिक्कतें आएंगी, जब सिखाने वाला ना होगा तब तो और भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले आप फ़ोन को अच्छे से सीखिए। तो स्वाइप का भी मैं बता दूँ, आजकल के जो टॉकबैक है, लेफ़्ट जो स्वाइप होगा वो प्रीवियस आइटम के लिए होगा, राइट जो स्वाइप होगा वो नेक्स्ट आइटम के लिए होगा। अभी मैं बिल्कुल पिछले आइटम पे जाता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच, कार्रवाइयाँ, फोल्डर, फोल्डर सेटिंग्स, फोल्डर उपकरण, तिथि और मौसम। तो ये बहुत सबसे पहला आइटम है, अभी इससे पीछे टक किया क्योंकि इससे पीछे कुछ मतलब कि इससे पीछे कुछ भी नहीं है, इसलिए टक की आवाज़ आई। अगर मैं राइट स्वाइप करूँगा तो मैं अगले आइटम पे पहुँच जाऊँगा। तो ये सुनिए, शुक्रवार 7 अगस्त। तो ये अगला आइटम है अभी मेरे पास, जहाँ पर इसने कहा शुक्रवार 7 अगस्त, मतलब कि अगला आइटम है। अब पीछे जाऊँगा मैं, तिथि और मौसम। तो यहाँ पे इसने कहा तिथि और मौसम, शुक्रवार 7 अगस्त, सक्रिय करने के लिए दो बार छुएं। तो शुक्रवार 7 अगस्त, मतलब कि ये अगला आइटम है। तो अब कुछ ऐसे आइटम पे भी हम जाएंगे जिसको हमें दो बार तो टैप करना ही होता है, लेकिन कहीं कहीं हमें टैप और होल्ड करने की भी ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी आप सुनिए। वापस जाएं बटन, सक्रिय करने के लिए दो बार छुएं और देर तक दबाए रखें। तो यहाँ पर इसने ये कहा है कि जैसे मैं बैक बटन यानी कि मैं बैक बटन पे अंगुली स्पर्श की थी, तो इसने कहा था कि सक्रिय करने के लिए दो बार छुएं, यानी कि जैसे डबल टैप करना होगा, तो मैं मतलब कोई आइटम सेलेक्ट करना होगा तो मैं सेलेक्ट करने के लिए डबल टैप करूँगा, और अगर दबा कर रखना है तो उसके लिए मैं डबल टैप एंड होल्ड करूँगा। तो अभी ये सुनिएगा, डबल टैप करूँगा तो कैसी आवाज़ आएगी। तो स्क्रीन के सामने माइक को ले जाता हूँ और अभी डबल टैप एंड होल्ड मैं करता हूँ तो एक अलग सी आपके सामने आवाज़ आएगी। हो सकता है कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हो जिसमें आपके सामने कुछ आइटम्स भी खुलें, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐप लिस्ट में, ऐप सूची, कंपास, कार्रवाइयाँ, शॉर्टकट, होम स्क्रीन में जोड़ें, सक्रिय करने के लिए। तो अभी कुछ ऑप्शंस इसमें भी है लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में किसी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल टैप एंड होल्ड करूँगा, शॉर्टकट चुनें, ग्रिड में नहीं। तो
जैसे मैंने डबल टैप एंड होल्ड किया, ट्रंग की आवाज़ आपको सुनाई दी, या फिर जो दूसरे टॉकबैक है उसमें कड़ की आवाज़ आपको आएगी। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास आए हैं, जैसे सिलेक्ट हो गया या जो जो भी है, तो कुछ ऑप्शंस मतलब जिससे कि हम ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप जानकारी या जो जो भी है, बट कुछ एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऑप्शंस तो नहीं आएंगी, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड 10 है तो उसमें ये आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर टॉकबैक की कुछ स्वाइप्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसके स्वाइप जितने भी स्वाइप्स हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, जो कि मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगली वीडियो में इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, टॉकबैक में जितने भी स्वाइप्स रहेंगे हमारे। तो अब हम बात करेंगे अप एंड डाउन स्वाइप की, मतलब कुछ टॉकबैक में अप और डाउन वाले जो स्वाइप है वो भी प्रीवियस और नेक्स्ट आइटम के लिए होते थे, लेकिन जब से टॉकबैक का वर्जन 5 आया तो इसमें चेंजेस ये हुए कि अप एंड डाउन जो था वो नेविगेशन के लिए होता था, मतलब अप वाला स्वाइप प्रीवियस नेविगेशन का और डाउन स्वाइप नेक्स्ट नेविगेशन का, तो यही इसमें था, जिसमें करैक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, जो जो भी है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मेरे पास है कंपास ग्रिड में है, किसी की मतलब कुछ, अब सभी अक्षर ऐसे तो नहीं है जिनकी हमको स्पेलिंग आती हो, कुछ अक्षर ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें नहीं आती हो, तो उसके लिए हम इस नेविगेशन क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं ऊपर से नीचे स्वाइप कर रहा हूँ, तो अभी इसने बताया वर्ड यानी करेक्टर, शब्द यानी कि वर्ड, पैराग्राफ शीर्षक यानी हेडिंग, और लिंक यानी जो भी लिंक आपके आसपास इसमें होंगे, तो इस नेविगेशन के जरिए आप लिंक ढूंढ सकते हैं, नियंत्रण और नियंत्रण यानी कि जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आप इस कुछ कंट्रोल आइकन्स है, जैसे प्ले, पॉज, प्रीवियस या कई कंट्रोल हमें मिलते नहीं है, तो अगर वो आप ढूंढना चाहते तो इस नेविगेशन में जा कर के ढूंढ सकते हैं, तो ये इन सभी के मतलब है। डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट में आप सभी स्क्रीन के सारे आइटम जो है पढ़ सकते हैं, तो यही है आज के वीडियो, यही मैं आज के वीडियो में बताना चाहूँगा, तो हो सकता है कि आज का जो पहला वीडियो है वो आपको काफ़ी बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन इससे अगला वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि हम टॉकबैक जब हम ऑन करते भी हैं तो उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट की जो सेटिंग है उसको हम अपने फ़ोन में कैसे एक्टिवेट करेंगे, और उसके साथ साथ और भी कुछ जानकारियां मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।